कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग जो कहाँ पे है, राजसमंद के अंदर है। ठीक है, ये जरगा पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इसका जो निर्माण करता है वो कौन है? इसका निर्माण करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? कुंभा के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था सन 1448 से लेके 1558 ईस्वी के बीच। तो इसकी सन भी आपको ध्यान में रखनी है। महाराणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, और वो निर्माण करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा सन 1448 से लेके 1558 के बीच। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो किसके लिए करवाया गया था? जो महाराणा कुंभा की पत्नी थी, कुंभा की पत्नी कुंभल देवी के लिए। महाराणा कुंभा की जो पत्नी थी कुंभल देवी, इसके लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, और इसी के नाम के ऊपर इस दुर्ग का नाम पड़ा है कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है महाराणा कुंभा के द्वारा सन 1448 से 1558 के बीच में करवाया गया था, और अपनी पत्नी कुंभल देवी के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने, और इसी के नाम के ऊपर इस दुर्ग का नाम पड़ा है कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो और जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर बना हुआ है? ये देखिए, पहाड़ी है जिसको बोलते हैं जरगा पहाड़ी। जरगा की पहाड़ी के ऊपर यह दुर्ग बना हुआ है। ये दुर्ग हो गया, सपोज दैट करना। ठीक है, दुर्ग नहीं है बट सपोज करना ये दुर्ग है, और ये क्या है? पहाड़ी। ठीक है, तो जरगा की पहाड़ी के ऊपर ये दुर्ग बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो ये इसलिए गिरी श्रेणी की, गिरी दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। तो इसकी अगर हम श्रेणियाँ देखें तो वो श्रेणियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? इसकी श्रेणियाँ है, पहली श्रेणी है गिरी दुर्ग, दूसरी है अरण दुर्ग, तीसरी श्रेणी जो आती है वो है वन दुर्ग, वन के बीच में है ये। एक है पारिख दुर्ग, मैंने आपको बताया था पारिख दुर्ग किसको बोलते हैं? पारिख दुर्ग उसको बोलते हैं जिसके चारों तरफ क्या हो, ऊंचा ऊंचा, मतलब ऊंची ऊंची दीवारें बनी हो, या फिर परकोटा हम जिसको बोल सकते हैं। तो परकोटा हो उसको क्या, वो कौन सी श्रेणी में आता है? पारिख दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो पारिख दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। सॉरी, पारिख नहीं है, सॉरी खाई है, खाई होती ना वो, उसको कहते हैं हम पारिख। तो इसके अंदर पारिद हो जाएगा, पारिद। ये एक जैसे से नाम है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कौन सी श्रेणी में आता है? पारिद, पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि इस कुंभलगढ़ के चारों तरफ क्या बनी हुई है? ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई है, परकोटा बना हुआ है, तो इसलिए इसको पारिद दुर्ग की श्रेणी में ये आता है। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। और पारिख अगर हम बताएं तो वो खाई के बीच में जो दुर्ग होता है उसको कहते हैं हम पारिख दुर्ग की श्रेणी में आता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल के लिए वो लोहागढ़ दुर्ग, ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग है वो पारिख दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो खाई के अंदर बना हुआ है। लेकिन कुंभलगढ़ दुर्ग है वो पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो ये गिरी दुर्ग है क्योंकि ये जरगा के पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, वन दुर्ग है एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है, पारिद दुर्ग की श्रेणी में भी यह दुर्ग आता है। तो ये इसकी श्रेणियाँ हो गई। तो आपको ध्यान में रखनी है कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं। ठीक है, फिर कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था अपनी पत्नी कुंभल देवी के लिए, और कब करवाया गया था? सन 1448 से लेकर 1558 ईस्वी के बीच। फिर देखिए, इस जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? कुंभलगढ़ दुर्ग की ऊंचाई है समुद्र तल से 3568, 3568 फीट इसकी ऊंचाई है।
तो ये भी आपको ध्यान में रखना, कुंभलगढ़ दुर्ग की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से है 3568 फीट है।